उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने पीएचई विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। असिस्टेंट इंजीनियर निधि मिश्रा शांडिल्य ने फरियादी से 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त निरीक्षक राजेश पाठक ने बताया कि बुधवार दोपहर में जंतर मंतर स्थित लोक स्वास्थ्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर निधि मिश्रा शांडिल्य को 60,000 रुपए की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उक्त कार्रवाई के बाद पीएचई कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीधा सीधा ये रिश्वत का प्रकरण है। मैं अक्षय पाटीदार, मेरी फर्म का नाम मानश्री। 2021 में मैंने यहाँ 2020 में मैंने यहाँ काम लिया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल जल लगाने का घटिया ब्लॉक में ग्राम जीतरखेड़ी और कालूखेड़ी दो गांव मेरे को अलाट हुए थे 2020 में, जिसको मैंने 6 महीने की कार्य अवधि थी, जिसको 10 महीने में पूर्ण किया, जिसमें 2 महीने कोरोना काल था और 2 महीने विभागीय विलंब की वजह से मुझे ये सब दिक्कत झेलनी पड़ी। और 2021 में मेरा काम निपट गया था, पर आज दिनांक तक भी मुझे अंतिम भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह भी यही है कि जो मेरा समय अवधि प्रकरण था, जो 4 महीने विलंब हुआ, वो विलंब के लिए चारों अधिकारी को मैं पॉइंट आउट करूँगा कि चारों अधिकारी आपस में सिर्फ पत्राचार करते रहे, काम पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि मुझे साइट पे काम करने में 4 महीने का विलंब हुआ, इनको इसी कैंपस में काम करने के जो ऑफिस वर्क होता है वो 3 साल लग गए। तो मैं इस हाथ से आया, मेरे आर्थिक तकलीफ हुई, तो मैंने ये लोकायुक्त का सहारा लिया और ये कार्रवाई कराई। जी इन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की थी अधीक्षण यंत्री जी के नाम से, और ख़ुद के नाम से इन्होंने बोला था कि इसमें जो भी बढ़ा लेना, तो मैंने उसमें 10,000 रुपये बढ़ा के पूरे 60,000 रुपये। ये मैडम का, हमने शिकायत तो सिर्फ मैडम की थी, सहायक यंत्री निधि मिश्रा, प्रकरण भी उनके ऊपर ही बना है। श्री अक्षय पाटीदार, दिनांक 1/7/2024 को लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारतम्य में आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई हैं। यह रिश्वत उनके अधिकारी और स्वयं के लिए मांगी जा रही थी। किस योजना में काम करने का? इन्होंने ग्राम कालूखेड़ी और जीतरखेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेका लिया था, उस का काम इन्होंने पूरा कर दिया था और कुछ विलम्ब के कारण उसका निकाल होना था, उस निकाल करने के एवज में रिश्वत की मांग, राशि की मांग की जा रही थी। कितना पेमेंट था? लगभग 10 लाख रुपए का पेमेंट इनका पेंडिंग था।